हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बनाएंगे इडली डोसा का घोल या फिर बैटर। तो मैंने यहाँ पे मेजरमेंट के लिए ये ग्लास ली हूँ। मैंने यहाँ पे 3 गिलास चावल ली हूँ और 1 गिलास दाल। चावल को मैंने पहले से साफ कर ली थी, तो अब हम इसमें 1 गिलास दाल लाएंगे। तो मेजरमेंट के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, ग्लास, कप या फिर कटोरी। तो सिर्फ इतना ही लेना है, 3 गिलास चावल और 1 गिलास दाल। अब हम इसमें 1/2 चम्मच मेथी दाना डालेंगे। तो मैंने मेजरमेंट के लिए 1 गिलास ली हूँ, या फिर आप कुछ भी बोल सकते हो, पता नहीं इसे क्या बोलते हैं, मैं तो ग्लास बोलती हूँ। तो 1/2 चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना डाली हूँ। मिलाकर मैं इसे अच्छे से धो लूँगी। बस मेथी दाना सिर्फ सेंट के लिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है डालना, अगर आपको ना पसंद है तो ना डालें। तो मैंने इसे 4-5 बार पानी से धो ली हूँ, अब बहुत ही साफ़ है। तो मैं इसे पानी में डिप करके 5-6 घंटे के लिए रख दूँगी, ताकि चावल दाल अच्छे से फूल जाए। बस इतना सा ही। अब हम इसे 5-6 घंटे के लिए रख देंगे। 5-6 घंटे बाद आप देख सकते हो चावल और दाल बहुत ही फूल चुके हैं अच्छे से। अब हम इसे पीस लेंगे। तो आप जार के हिसाब से, मतलब मिक्सर के जार के हिसाब से चावल दाल डालें और इसे पीस लें। पीसते टाइम थोड़ा सा पानी डालें, ज़्यादा भी ना डालें। मैंने इसमें बहुत ही कम पानी डाली हूँ, तो आप ज़्यादा भी ना डालें, नहीं तो ये पतला बन जाएंगे। आप देख सकते हो ना तो ये गाढ़ा है ना ही पतला है, ऐसे बनना चाहिए। तो अब इसे निकाल लेंगे। बचे हुए चावल दाल को मैंने इस तरह से पीस लूँगी। आपको कैसे लगे हैं प्लीज़ कमेंट करके बताना। ये बहुत ही हेल्दी है, मैंने इसमें एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलाई, सिर्फ चावल और दाल। और मेथी दाना तो ऑप्शनल है, आप नहीं भी डाल सकते हो। तो इससे बहुत ही सॉफ्ट इडली बनते हैं और बहुत ही क्रिस्पी डोसा बनते हैं। अब हम इसे 10 से 12 घंटे के लिए रख दूँगी। तो 10 से 12 घंटे बाद आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया फूल चुके हैं इडली बैटर। अब ये रेडी है इडली बनाने के लिए। हमने इसमें नमक नहीं मिलाए थे, अब जब इडली बनाएं तो इसमें नमक मिला के, और अगर गाढ़ा लगे तो थोड़ा सा पानी मिला के इडली बना लें। और हाँ, ये गर्मी का टाइम है इसलिए इडली बैटर 10 से 12 घंटे में बन जाते हैं। अगर ठंडी का रहे तो आप इससे 16 से 18 घंटा, मतलब 16 to 18 घंटे में बन जाते हैं। और डोसा बनाना है तो इसमें ज़्यादा, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल के आप डोसा बना लें। आपको कैसे लगे हैं रेसिपी प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।